एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, आपके नए घरों में सुरक्षित होंगे और शादी पार्टी में भी व्यस्त होंगे और खुश रहो इसी तरह। और कल जितना आप सभी भाई बहनों ने, गेस्ट, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मतलब मुझसे जुड़े हुए मेरे अपने हैं, सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया मेरी वीडियो पे। तो वीडियो आ रहा है, पूरा वीडियो आ रहा है 6 फरवरी को। तो सभी इसी तरह से फिर से सपोर्ट करना है सभी को, बस जान लगा देना उस दिन। मैं देखो अपने चैनल के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं उस चैनल पे, क्योंकि उसमें मेरा भजन आ रहा है और आप सबकी अपनी रेखा का भजन आ रहा है। तो जितनी आप सब ने सपोर्ट किया है इस भजन, मतलब टेलर बोल सकते हैं टेलर को, जैसे धारा दीदी ने बोला था कि ये तो टेलर है, मतलब छोटा सा भजन डाला था, अब ये पूरा आ रहा है। तो ये आपको 6 फरवरी को पूरा वीडियो देखना है, मतलब पूरा भजन सुनना है और दिल को छू जाएगा, बहुत ही गहराइयों से दिल को छू जाएगा, दिल को छूने वाला भजन है। जब ये मेरे पास भजन आया मैं रोने लगती थी, जब इसे सुनने के बाद, दिल को छूने वाला भजन है। तो आप सभी अपना पूरा सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना और आगे आप सबके साथ। अभी आज दिन है शुक्रवार, आज व्रत है मेरा, और जैसे कि अभी तो मैंने मतलब कल थोड़ा सा मतलब शूट किया था, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग नहीं की थी, बस थोड़ा शूट किया था क्योंकि मेरे कान में बहुत प्रॉब्लम थी। कल मेरे कान में दर्द था, जो कई दिन से मेरे सर में दर्द था ना, वो प्रॉब्लम सारी कान से थी, कान में भी प्रॉब्लम थी, कान एकदम बंद सा और बड़े अजीब सा दर्द, जैसे कुछ बज रहा है, और अब कभी दर्द होता था फिर बंद हो जाता था, अभी भी दर्द है, तो मतलब अब थोड़ा कम है। रात बहुत दर्द था, कल बहुत दर्द था, तो आप सब समझ सकते हो कि बात करने का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता उस टाइम की क्या बात करें। और आप सबके प्यार को देखते हुए मैं वो भी दर्द भी मेरा कम सा मतलब कुछ भूल गई, बहुत अच्छा लगा दिल को, बहुत अच्छा लगा आप सबने इतना सपोर्ट किया। तो आप सबके साथ करेंगे वो कल की ही वीडियो, जो मेरी कल जो मैंने वीडियो थोड़ी शूट की थी वो शेयर करेंगे, और आज के लिए ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और अभी मैंने व्रत खोला है, जैसे कि आज शुक्रवार का व्रत होता है, तो आप सबके साथ शेयर करेंगे। मत पूछना कि जैसे कि अब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा, कुछ लोग जो नहीं देखते वो कहेंगे शुक्रवार को भी आपने ये मतलब राजमा चावल बनाए उसमें, क्योंकि उसमें लहसुन, आज के दिन हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं, टमाटर होता ही नहीं है किसी भी व्रत में, लेकिन आज के व्रत में तो टमाटर भी यूज नहीं होते। तो जो भी हम शेयर करेंगे वो मतलब जो भी हम शाम को हम ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से है ना, 1-1.5 महीने से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, वो तो वीडियो तो मुझे बनाना पड़ता है। आज थोड़ी ठीक लग रही है, किसी दिन ठीक लगती है वीडियो बना लेती हूँ, जिस दिन नहीं लगती है उस दिन बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। तो आप सबके साथ वही थोड़ा सा शेयर करेंगे और फिर शाम का ब्लॉग की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से कल हमने राजमा चावल बनाए थे और एक्स्ट्रा बनाए थे, कुछ चीज़ें होती है कोई घर पे आ जाए, मतलब किसी को नहीं ब्लॉग में आना, कुछ औरतों को नहीं पसंद होता जैसे भी, तो वो तो हमने आपको नहीं बता सकते, तो आप सबके साथ शेयर करते हैं राजमा। तो सॉरी आप सभी को, मतलब जो न्यू है, जिन्होंने मतलब मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है, जो पहली बार है, मतलब पहली बार कह सकते हैं, तो उन सभी से बोलना चाहूँगी कि वीडियो भजन आ रहा है काशी गुजर ऑफिशियल, छोटे भाई का चैनल है, तो पूरा सपोर्ट करें पूरा, ठीक है जी। और तेजवान से तेज पत्ता और जीरा डालने के बाद ये मैं काली इलायची डाल दूंगी इसमें। और आज बना रहे हैं हम राजमा चावल, और चावल बन रहे हैं उस साइड बन रहे हैं चावल, और बहुत सारे बना रहे हैं क्योंकि कहीं जाने भी हैं इसलिए। और अब इसमें क्या डालना है वो देखते हैं। इसमें ऐड करूंगी हींग भी बहुत जरूरी है। और आज मैंने टमाटर प्याज पहले उबाले नहीं है, बस एक साथ ही पीस लिए, अदरक लहसुन टमाटर प्याज एक साथ पीस लिए हैं, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, पानी इसलिए क्योंकि जो मसाला लगा हुआ था हमारा टमाटर प्याज की जो प्योरी थी
वो डल जाएगी। और मसाला भी मैं इसमें साथ के साथ, मतलब जो भी मुझे डालना है, हल्दी पाउडर और जो भी मतलब मसाले जितने भी डालने हैं वो अभी ऐड कर दूंगी, और फिर अच्छे से पकाएंगे टमाटर प्याज को। और नमक डाल दूंगी, जब तक मैं चावल भी पसा लेती हूँ। पसवा चावल बनाए हैं आज मैंने, और राजमा मैंने थोड़ा सा उसे सीटी लगाने के बाद, मतलब थोड़ा चमचा लगा लिया था ताकि मिक्स हो जाए। आलू नहीं डाले मैंने, आलू नहीं पसंद करते मेरे बच्चे, तो थोड़ी देर में मिलते हैं, जब तक मैं भून लेती हूँ उसे। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी चना मसाला, बस यही मसाले होंगे गरम मसाले में जो होगा, थोड़ा सा डाल लूँगी चना मसाला। और मिलते हैं अभी, पकने के लिए छोड़ देते हैं इसे। ये देखिए तेल छोड़ने लगा है मसाला हमारा, और अच्छे से 7-8 मिनट चलाते हुए हो गए, तो अच्छे से भुन गया है मसाला। इसमें डाल दूंगी मैं राजमा, क्योंकि एक हाथ से नहीं डलेगा, मैं एक हाथ से फोन ले रही हूँ। ये देखिए राजमा डाल दिया है मैंने, अच्छे से चला दूंगी और अभी उबलने दूंगी इन्हें। और राजमा बिल्कुल गाढ़े ही पसंद करते हैं। आलू वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, आप सभी भी बताना देखने में कैसे लग रहे हैं। कल की सब्जी पनीर की बहुत ही टेस्टी लगी थी, मैं तो कहूँगी। दिशु तो कह रहा था अरे मम्मी रहने दो, शाही पनीर से अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे तो शाही भाई पनीर सब बेकार लगी उसके सामने, बहुत ही अच्छी सब्जी लगी थी कल की। देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, खाने में बहुत बेहतरीन लगी। दिशु वैसे तुझे अच्छी नहीं लगी थी क्या सच में? अच्छी लगी थी, फिर शाही पनीर ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये अब हम निकाल देंगे, पत्ते हैं ना ये निकाल देंगे अब हम इसमें से, इनका काम हो चुका है। और छोटी लाइन चावल बन चुके हैं, तो आप सबसे मिलते हैं, अब हम खा के मिलेंगे, ठीक है जी? मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। मुझे कुछ ज़्यादा ही ग्रेवी नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा डाल लिया इसमें पानी, और अभी उबलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी? अब कैसा लग रहा है बताओ? सही बढ़िया लग रहा है ना, उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो आज का पसंद आया होगा, तो दूसरे ही ब्लॉग की अब स्टार्टिंग कर देते हैं। और आप सभी के साथ इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, और इसी तरह आप सबकी वजह से यूट्यूब, कोई भी यूट्यूबर है सब आपकी वजह से है, सब पब्लिक की वजह से है। नहीं कोई यहाँ कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, अगर आप सब साथ नहीं हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे, यही दुआ करते हैं। और आप सब खुश रहे, आवाज क्योंकि खुश रहोगे तभी मेरा वीडियो देखोगे। खुश दिल से दुआ है आप सब की हर मनोकामना पूरी हो। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।